गांव का विकास, जैसा कि लोगों को मालूम है कि क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत सदस्य ही सिर्फ कर सकता है, ऐसा लोग मानते हैं, जबकि जिला पंचायत सदस्य जो है गांव के विकास के लिए एक बहुत अहम कड़ी। जो कार्य जो प्रधान और बीडीसी जो क्षेत्र पंचायत सदस्य या ग्राम पंचायत सदस्य के अंडर में नहीं आते हैं, वो कार्य जिले से जिला पंचायत सदस्य लेके आता है और हर तरफ गांव में विकास का कार्य करता है। ये चीजें मालूम ना होने के कारण जो मौजूदा जिला पंचायत सदस्य हैं, वो इस चीज की नॉलेज नहीं होने के कारण वो प्रधान और बीडीसी से तालमेल नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे दिक्कत और रुकावट आती है गांव के विकास में। मैं उस कमी को पूरा करने के उद्देश्य से जिले से हर विकास को गांव गांव तक पहचानने के लिए जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि पिछली बार भी मैं चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पे था, रनर था, तो बहुत ज्यादा लोगों ने प्यार दिया था, वोट दिया था, और मुझे उम्मीद है कि इस बार उससे भी कहीं ज्यादा वोट और प्यार देकर जीत का तोहफा यहाँ के लोग देंगे। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे एक बात बहुत आम हो गई है कि राजनीति बहुत गंदी है, तो आखिर गंदी क्यों? तो शिक्षित और समझदार लोग राजनीति से दूर हो गए, तो जो समाज से रिजेक्टेड लोग थे वो राजनीति में आए और राजनीति को गंदा कर दिया। तो उस राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए और शिक्षित और युवाओं को और समझदार लोगों को राजनीति से जोड़ने के लिए मैं खुद आगे बढ़कर ये पहल कर रहा हूँ, ताकि इस देश का शिक्षित समाज और युवा समाज और समझदार लोग राजनीति से जुड़े और राजनीति को साफ सुथरी राजनीति बनाए, प्यार मोहब्बत भाईचारे वाली राजनीति बनाए, जिससे कि इस देश का भविष्य और उज्ज्वल हो सके।